वही अधिवक्ता दूसरी बार वही धारा का विरोध करता है, मगर हमको तो ऐसी महारत हासिल नहीं। हम तो सार्वजनिक जीवन के छोटे कार्यकर्ता है, तो जो सच होते हैं वो बोलते हैं। मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी को ध्यान से सुना, मान्यवर उन्होंने कहा, उन्होंने क्या करा उनको पूरा मालूम है, मैं मानता हूं मालूम होगा, बड़े विद्वान वकील है। उन्होंने अनुच्छेद 339(7)(a) को पढ़ा, जिसमें लिखा है 239(7)(a) के तहत संसद को केंद्र सरकार के प्रावधानों को इफेक्ट देने या सप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पढ़ा, मगर इसके ऊपर 3B में नहीं गए। मैं अब पढ़ता हूं 3B क्या है। पहले मैं 239(a) में दिल्ली के विषय में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश है, विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश। मान्यवर इसके 239(a)(a)(3)(b) के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। अब मैं विनम्रता से इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर आता है, इसमें सर्विसेस आती है या नहीं आती है, सर्विस विषय है या नहीं है? और मान्यवर, और इससे आगे जाकर 239(a)(a)(3)(c) के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले, हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपिचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, वुड यू प्लीज रेज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रहूंगा। Our rule says unparliamentary word cannot be used in this house. We have the book of list और उसी लिस्ट के हिसाब से किसी पार्टी किसी के साथ जाने पे उसकी गोदी में बैठी है, ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री है। कल हम भी बोलेंगे, आप डेकोरम की बात करते हो, आप डेकोरम की बात करते हो, तो किसकी गोदी में बैठे हैं? बोलेंगे कौन सी गोदी है, किसकी गोदी में बैठे हैं? तो डेकोरम आप कहते हो, तो डेकोरम मेंटेन हम भी करना चाहते हैं। और स्पीकर सर, यू आर नॉट टू मेक अ स्पीच, आई हैव हर्ड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आई रिजेक्ट द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टेक योर सीट सर। Honorable Minister,
माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी बड़ी दुहाइयां दी, संविधान की दुहाइयां दी, डेमोक्रेसी की दुहाइयां दी और अदालत के फैसले की सम्मान करने की दुहाइयां दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूं। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहां अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूं कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो न्याय की कानून की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जनभावनाओं के अनुरूप वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस आजादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण है जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आया, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला है। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष जी। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं, कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? Members, please take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. Take your seat. One second, please. Honorable members, the Honorable Home Minister was throughout present by and large, and he heard everyone very patiently. And everyone in the House, now he has a right and duty as Home Minister to address the House. He is something wrong? Honorable Home Minister, nothing will go wrong. Please. मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है भैया, डिस्कस। मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए।
जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात करें, ये लोग डेमोक्रेसी की बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, और जब माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने पूछा